प्रवीण मीणा है, सचिव प्रदेश कांग्रेस के, अब्दुल सगीर जी पूर्व विधायक, अजय सिंह जी प्रधान बाड़ी, श्रीमती कमलेश जाटव अध्यक्ष नगर पालिका बाड़ी, अहमद जमा खान उपाध्यक्ष नगर पालिका, राम भरोसी मीणा जी ब्लॉक अध्यक्ष शर्मत्रा, राम खिलाड़ी शर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष बछेड़ी, सम्मानित मंच से उपस्थित मेरे बहनों और माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत खुशी है कि आज बाड़ी के अंदर इतनी बड़ी जो सभा हो रही है, अभी तक जितनी सभाएं हुई राजस्थान के अंदर महंगाई राहत शिविर को लेकर के, उसमें सबसे बड़ी सभा का खिताब मिलता है तो बाड़ी की सभा को मिलता है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और बाड़ी के आपके लोकप्रिय विधायक गिरिराज मलिंगा, जिनको आपका प्यार है, आशीर्वाद है, स्नेह है और आपका विश्वास है, इस कारण से ये संभव होता है कि इतनी बड़ी सभा करना बहुत कम समय के अंदर। इतने में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मेरा आशीर्वाद तो ही है इनको, पर इनके मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूँ, जम के काम करते हैं। और मैंने इनको कह रखा था कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा, उसी ढंग से काम किया। और ये संतोषी प्राणी भी है, इसने कहा था काम बहुत हुए मेरे, फिर भी अगर हो जाए तो सड़कें बन जाए, स्कूल खुल जाए जो बंद पड़ी है, तो ये तो मांग चलती रहेगी। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस प्रकार से जनहित के कार्यों को करने में हमेशा भूमिका अदा करूं। बहुत सारे 5 बजट पेश किए हमने, 5 में कोई टैक्स नहीं लगाया, मैंने हमेशा ध्यान रखा। महंगाई का दौर चल रहा है, बेरोजगारी ऊपरते हैं, घर घर में लोग परेशान हैं, नौजवान नौकरी मिल नहीं पा रही है, समस्याएं चारों ओर है, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। हमने एक एक करके जल जीवन मिशन लागू किया है, 45% पैसा केंद्र देता है और 55% पैसा सरकार स्टेट गवर्नमेंट देगी, हर घर में नल पहुँचने का काम भी होगा। चंबल का पानी पहले पहुँचे वो प्रयास लगातार भरपूर तक ले जा रही है। काली तीरी योजना बनी है, उसका लाभ आपके बछेड़ी को भी बाड़ी को ही मिलेगा। तो जो संभव था वो सब विकास के काम करने में हम लोगों ने भूमिका अदा करी। और इसीलिए राजस्थान में आज हम लोग पूरे देश के अंदर राजस्थान चर्चा के अंदर है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए हैं। ये 25 लाख का बीमा जो है, ये देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं होगा कि आपको फ्री इलाज मिल रहा हो, पूरा ऑपरेशन, आपके जांचें फ्री हो, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, दवाएं फ्री, इलाज पूरा फ्री। और ऊपर से कानून पास कर दिया है, आपको मालूम है राइट टू हेल्थ, ये कानून जो है इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने हिम्मत दिखाई है जिसने कानून पास करके अधिकार दिया पब्लिक को, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अधिकार दिया था, सोनिया गांधी जी ने अधिकार दिया, RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल और मान नरेगा, ये इसी तरह एक कानून राजस्थान सरकार ने पार किया, राइट टू हेल्थ, हेल्थ का अधिकार अब कानून बना के आपको दे दिया गया है। दुर्घटना बीमा अलग है, खाली आपको कैंपों में जाके सबको अपना नामांकन लिखाना है, कार्ड लेने हैं, गारंटी कार्ड लेने हैं, मुख्यमंत्री के साइन के गारंटी कार्ड आपको मिल रहे हैं। अभी कहा आपको कि 6 करोड़ कार्ड बढ़ चुके हैं, 6 करोड़ कार्ड बढ़ चुके हैं, यानी 7 करोड़ कार्ड बढ़ चुके हैं, 7 करोड़, और 1,56,00,000 परिवारों को कार्ड मिल चुके हैं। तो इतना बड़ा अभियान चला है, पूरे प्रदेश के अंदर
जहाँ जाओ लोग कहेंगे साहब बहुत बड़ा काम हो रहा, बड़ी खुशी है कि एक तो ओपी है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए, और दूसरी तरफ एक के बाद एक योजना है, चाहे वो दुर्घटना बीमा हो, 25 लाख का बीमा हो, स्वास्थ्य का काम धेनु योजना हो, गायों के लिए, भैंसों के लिए भी हमने बीमा कर दिया है, भैंस हो या गाय हो, 40,000 का बीमा मिलेगा सबको, एक परिवार में 2 पशुओं का मिलेगा, वो भी कर दिया है। 100 यूनिट बिजली फ्री का मतलब है आप जो बैठे हो करीब करीब सबके घरों में अब 0 बिल आएगा, बिजली का 0 बिल आएगा, इतना बड़ा निर्णय सरकार ने किया है, निःशुल्क बिजली कर दी आप सबके लिए, किसानों के लिए 2,000 यूनिट अलग कर दी है, शहरों में भी नरेगा की तरह काम शुरू करवा दिया है, 500 रुपये गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना वालों को करीब 80 लाख महिलाएं हैं उनको आप देखिए कि 500 रुपये गैस सिलेंडर मिल रहा है। इस प्रकार हमने प्रयास किया है, इस महंगाई के दौर में जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी भारत जोड़ो, 4 मुद्दे थे, एक महंगाई का था, एक बेरोजगारी का था, एक था नॉन वायलेंस का, हिंसा नहीं होनी चाहिए, सभी जाति सभी धर्म के लोग आपस में भाई भाई की तरह रहें, आपस में प्रेम रहे, भाईचारा रहे, सद्भावना रहे, क्योंकि जहाँ झगड़े होते हैं वो परिवार ऊपर नहीं बढ़ता है, जहाँ हिंसा होती है गांव झगड़े होते रहते हैं और गांव में विकास रुक जाता है, यही बात लागू होती है प्रदेश के लिए भी। तो हमारा प्रयास है कि पूरे देश में पूरे प्रदेश में शांति स्थापित हो, ये राहुल गांधी का मुद्दा था। और 4th मुद्दा था इम्पोर्टेंट, गरीब जो है और अमीर इसके बीच में खाई बड़ी नहीं बननी चाहिए, थोड़ी बहुत खाई तो रहेगी। तो आज स्थिति है कि 4 मुद्दों को लेकर मैंने बजट पेश किया है, इसीलिए आप देखा होगा इतनी स्कीमें हैं, इधर कुछ नहीं है, इधर तो ये गारंटी कार्ड दे रहे हैं आपको। इसके अलावा ही छात्रों के लिए अनुप्रति योजना, 30,000 छात्रों को करवा रहे हम लोग, कोचिंग करवा रहे हैं, फीस बहुत ज़्यादा होती है, पैसे वाले दे सकते हैं, गरीब भी अफोर्ड करे जाने के लिए, विदेश भेज रहे 500 बच्चों को, अगर धौलपुर के बच्चे भी जाने मुझे खुशी होगी, पूरा खर्चा सरकार दे रही है, जो बच्चा पैसा नहीं चाहिए परिवार में, पैसे वाला जाता है तो गरीब परिवार को भेजने की जिम्मेवारी सरकार की है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो स्कीमें बनाई है छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया हम लोगों ने, आपको मालूम है कि जो धनराशि डबल कर दी हम लोगों ने किसानों के लिए, तो चारों ओर में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है, सड़कें शानदार बन रही है, अभी मलिंगा जी ने और सड़कें लिखाई है आपके गाँव के लिए, मुझे एहसास है कि आपके गाँव में सड़कों की कमी है, कोई कमी आने देंगे नहीं, वो पूरी करेंगे और आगे भी आप मांगेंगे उसके ध्यान रखेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। स्कूलों का आपने कहा पिछली गवर्नमेंट ने कई स्कूल बंद कर दी थी, कई स्कूल चालू करवा दिए आपने मलिंगा जी ने, बाकी रह गई अभी गोविंद दत्तात्रेय ने कह दिया आपको कि 2 दिन के अंदर अंदर वो स्कूल खोल दी जाएगी, और मैं कहना चाहूँगा शिक्षा वो चीज़ है जिसमें मना कर ही नहीं सकते, आपको मालूम है कि 70 साल में कॉलेज खुली थी 250 और मैंने 4.5 साल में खोल दिए 303 कॉलेज खोल दिए, आप सोच लीजिए कहाँ तो 70 साल में 250 कॉलेज और कहाँ 4.5 साल में आप देखिए कि 303 कॉलेज उसमें 130 लड़कियों कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने, और ये कह दिया है माता बहने बैठी हुई है पढ़ाई का बड़ा महत्व है लड़कियों का भी, जब 500 लड़के भेजोगे स्कूल में उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मेरी घोषणा की हुई है, ये हमारा लक्ष्य है। किस प्रकार से हम शिक्षा में जोड़ दें, राजस्थान में IIT IIM IIIT लॉ यूनिवर्सिटी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कोई कमी रखी नहीं है,
कुछ 6 विश्वविद्यालय थे, पहली बार मैं मुख्यमंत्री बनाता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना। 98 में 6 विश्वविद्यालय थे, आज राजस्थान में 95-96 विश्वविद्यालय है। आप सोच सकते हो शिक्षा में हम बहुत आगे बढ़े हैं। सड़कें साधा बन रही है, 1,00,000 किलोमीटर सड़कें बना रहे हम लोग, 1,00,000 किलोमीटर, उसमें 56,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है और 54,000 किलोमीटर सड़कें बन रही है। इस प्रकार से पेंशन दे रहे हम लोग, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हम लोग, 1 करोड़ लोगों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निःस्वजनों को और बुजुर्गों को पेंशन। 500 रुपये थी, 750 थी, इस बार मैंने घोषणा कर दी है सबको कम से कम 1,000 रुपये पेंशन मिलेगा और प्रति वर्ष बिना मांगे 15% पेंशन बढ़ती जाएगी, ये हमने घोषणा करवा दी। तो कहने का मतलब ये है आपके आशीर्वाद से राजस्थान प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर हम कैसे आगे बढ़े हैं। किस प्रकार 2030 के अंदर राजस्थान भी देश के अंदर जो प्रथम श्रेणी के राज्य होते हैं उस श्रेणी में पहुंच जाए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए राजस्थान के अंदर, लोग खुश रहे, तनाव में नहीं रहे, ये माहौल बने राजस्थान के अंदर। और अभी जो सर्वे हुआ भारत सरकार का, उसके अंदर आपको यहाँ की खुशी होगी, राजस्थान नंबर 2 पे आया है आर्थिक विकास के अंदर। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% GDP, 11.04% राजस्थान GDP है। तो आप सोच सकते हैं आज भी राजस्थान इस कदर वित्तीय प्रबंधन कर रहा है, आर्थिक विकास की तरफ बढ़ा रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो हमने सपना देखा है राजस्थान का विकास का, वो पूरा हो सके। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ, मैं मांगे तो कई कर रखी गई मेरे सामने और मैंने कह रखा है मलिंगा जी को, जो आप मांगोगे मैं कभी मना करूंगा नहीं आपको। किसानों का कानून तो देख लिया आपने, कितने 500-600 किसान मर गए बेचारे आंदोलन के अंदर। अगर पूछ के कानून मनते ये नौबत नहीं आती, ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि जनता को भुगतना पड़ता है। कभी लाइनों में लगते बैंकों के सामने, कभी किसानों को, ये अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र में जनता क्या चाहती है उनको पूछ के काम करना चाहिए। और हमने जो जन घोषणा पत्र बनाया था वो उसी रूप में बनाया था। अब जो बात आई है आपके ERCP की, ERCP हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग तो लगातार वादा खिलाफी की है केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वादा किया, जयपुर में अजमेर में 25 MP जिता दिए जनता ने, पानी के मंत्री राजस्थान के हैं, दुख होता है। आज पानी की योजना ऐसी है 13 जिले की, कितना आराम हो सकता है, टाइम पे पूरी हो सकती है और हम तो कर रहे हैं आगे, हमारे साधन सीमित है। 13,000 करोड़ रुपये रखे मैंने फिर भी ERCP के अंदर, आगे भी बढ़ाएंगे, योजना को पूरी करेंगे। पर ये जो इनका तरीका गलत है, सरकार बनते ही ये योजना बंद कर देते हैं कांग्रेस सरकारों की, रिफाइनरी बंद कर दी हमारे वहाँ, आपको मालूम है कीमत बढ़ गई उसकी भी, करीब 38-40 हज़ार की योजना थी, 72,000 करोड़ लगेगा रिफाइनरी बनने के लिए 55,000 बाड़मेर के अंदर। ये पिछली सरकार ही काम करती है, आपके सरमत्रा गंगापुर सिटी भाई, आपके करौली बाड़ी भी आएगा। अब इतनी बड़ी शानदार योजना का मैंने भी आता है आपको याद होगा शिलान्यास करने के लिए, उस दिन भी बाड़ी के लोगों ने बगैर कोई इतला के, ये मलिंगाजी खड़े हैं, इतनी शानदार मीटिंग करवा दी। वहां मैं 3 घंटे लेट पहुंचा सरमत्रा, रेल मंत्री आके बैठे रहे वहां पर, राज्य मंत्री, इतनी बड़ी सभा करवा दी। आपके यहाँ तो मलिंगा ने जादू कर रखा आपके ऊपर, इतने लोग जादूगर तो लोग मुझे कहते हैं, तो बाड़ी का जादूगर तो लगता मलिंगा लगता है, मलिंगा लगता है। इतनी बड़ी बड़ी सभा करवा में ये 4थी बार में आया हूँ बाड़ी के अंदर,
ये आपका प्यार उनका आपका आशीर्वाद इसके प्रति है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना दिल जीतना लोगों का, वो जीत सकता है जिनको दिल साफ हो, साफ कोई की बात करता हो, गरीबों की मदद करता हो, वो ही कर सकता है। ये मुझे खुशी है कि ऐसा नुमाइंदा आपको मिला है जो कोई कमी नहीं रख रहा है। इसलिए मैं आपको एक मांग और थी कि कुशवा माली सैनी मौर्य साक्य ये मांग जो कर रहे हैं आरक्षण की, अभी आपको मालूम है कांग्रेस के अधिवेशन में रायपुर के अंदर छत्तीसगढ़ में एक प्रस्ताव पास किया कांग्रेस ने भारत सरकार से मांग करने का। मैंने ही मांग करी है, खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने मांग करी है प्रधानमंत्री जी से कि जाति वाइज गणना करवाओ, जनगणना करवाओ। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है, ये हम दबाव बनाएंगे। और मैं कुशवा माली सैनी समाज सबको कहना चाहूँगा, मौर्य हो चाहे साक्य से कोई कौम हो, ओबीसी की हो SC ST की हो, समय आ गया है हम मांग करें 1931 के अंदर जनगणना हुई थी जाति वाइज 1931 के अंदर, उसके बाद कभी गणना नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि अब आप टाइम आ गया वापस जनगणना करवाओ, जिससे मालूम पड़े भाई किसकी कितनी आबादी है, उसी ढंग से आरक्षण के फैसला हो सके। ये हम लोगों की मांग है, उसमें हम लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि तब सब लोग मिलकर हम लोग मांग करेंगे तो भारत सरकार को झुकना पड़ेगा और जाति में जनगणना करानी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। तो आरक्षण भी अपना भी स्वतः बढ़ेगा। अंत में कहना चाहूँगा एक और मांग की है हमारे मलिंगा जी ने, लोधी लोडा लोधा निषाद केवट सिद्ध कश्यप समाज इनकी वीरांगना महारानी जो अवंतीबाई लोधी जो है जो 1831 के अंदर जिनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश शिवनी के अंदर, और जिन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ में पहला रिवोल्ट जो हुआ था देश के अंदर वो हुआ था 1857 के अंदर, उसमें उन्होंने तमाम आसपास के राजा महाराजों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ी लड़ी और शहीद हो गई। उनका नाम है शहीद अवंतीबाई लोधी। इनका सुझाव है मेरे को कि महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम का बोर्ड गठित करने की बात है कर रहे हैं, तो मैं घोषणा करता हूँ कि अवंतीबाई लोधी विकार बोर्ड बना दिया जाएगा। जिससे कि उनके नाम से और हम लोग लोधी लोधा निषाद केवट कश्यप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, योजना ही बनेगी और विकास भी होगा, समाज का भी समस्या आएगी तो बोर्ड के माध्यम से हल करने में सरकार को सुविधा भी रहेगी। जब कोई बोर्ड रिकमेंड करता है तो पूछ के करता समाज को क्या क्या समस्या है आपकी है, तो सरकार के पास प्रस्ताव आता है वो कॉन्क्रीट आता है, फिर टाइम नहीं लगता है। मुझे खुशी है कि ये बोर्ड बनेगा तो लोधी समाज के लोग कश्यप हैं जो भी हैं उस सब के लिए उनकी भावना क्या है, सरकार उनके लिए क्या कर सकती है, उस रूप में हम काम करना चाहेंगे। यही बात कहता रहा मैं पुनः आपको जो आपके पूरा ये माहौल बना दिया आप लोगों ने, पूरा बाड़ी के पूरे जौनपुर जिले के लोग जो आ गए यहाँ पर, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आह्वान करता हूँ आपका अंत में कि आप जो स्कीम हमारी है, कि गरीब लोग होते हैं, अभी मैं गया कैंप के अंदर दो महिलाओं से मिला, पूरे कार्ड उनको मिले नहीं थे, मैंने कलेक्टर को कहा है BDO को कहा है कार्ड पूरे क्यों नहीं मिले जाँच करवाओ उसकी। अगर हमारे आप लोग सब जो है आम लोग जो मीटिंग में आया वो तो आप लोग समझदार भी है, सवाल है कि एक छोटी सी गलती नुकसान कर देती है हमें। अभी एक एक्सीडेंट हो गया था, दो बच्चे मर गए, एक बच्चे का कार्ड बना हुआ था घर वालों का, 5 लाख रुपये मिल गए उसको, उसी एक्सीडेंट में दूसरे बच्चे का कार्ड नहीं बना हुआ था घर वालों ने बनाने लापरवाही से उसको 5 लाख नहीं मिले। हर स्कीम का लाभ मिले सुनिश्चित हो, अंतिम व्यक्ति थे जो गांधी जी ने कहा अंतिम व्यक्ति तक
उसमें आप सरकार की मदद करो, क्योंकि हमने जो कैंप क्यों लगाए हैं, कैंप इसीलिए लगाए वरना इसकी में पहुंचती नहीं है, चित्रपट पहुंचती है। हमने कहा 100% स्कीमों का लाभ जिसके लिए स्कीम बनी है उन तक पहुंचे, ये हमारी ख्वाहिश है। उसी रूप में हमने कैंप लगाए हैं, बहुत शानदार माहौल बना है आपके आशीर्वाद से। मुझे उम्मीद है पूरे प्रदेशवासियों को राहत मिलने में कोई कमी नहीं रहेगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।